नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्री साइंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हींग कैसे बनता है ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी फैक्ट्रियों में तरह तरह की चीज़ें बनते देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, हींग पाउडर बनाने के लिए हींग के पौधों का उपयोग किया जाता है। हींग के पौधों को काटकर उनकी जड़ों से दूध की तरह चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है उसे एकत्रित कर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फैक्ट्रियों में बिना हींग के पौधों के दूध से हींग पाउडर तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए फैक्ट्रियों में थोड़ा सा प्रोसेस करके इस पाउडर को पैक कर लिया जाता है। दोस्तों, ये पौधा सौंफ की प्रजाति का ही एक पौधा होता है, जो कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, हींग पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्रियों में सबसे पहले बड़ी मात्रा में हींग के पौधों का रस या फिर दूध एकत्रित कर लिया जाता है। अब इस दूध को फैलाकर सुखाया जाता है। सुखाने के लिए मशीनों में से इस दूध को गुजारा जाता है। सूख जाने पर यह कठोर हो जाता है और इसके बाद इसे ग्राइंडर मशीनों में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। इस दौरान इसमें बहुत से अन्य पाउडर भी मिलाए जाते हैं जो हींग की असहनीय गंध को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद हींग का बारीक पाउडर तैयार हो जाता है और अब इस पाउडर को इस मशीन की मदद से छोटे छोटे पैकेट्स और डिब्बों में पैक कर लिया जाता है। पैकिंग के बाद इन्हें क्वालिटी के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है और पेटियों में भरकर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हींग आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बनाया जाता है। जो हींग पाउडर आप बाजार से खरीदते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध हींग नहीं होता, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनियां इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य पाउडर्स भी मिलाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।